आई नाजरीन, अभी हम सवाल जवाब अपना नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। तो सलामुलिकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? वाजिद। वाजिद भाई, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा ताकि हमारे व्यूअर सुन सकें आपको। सही। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ऐसे ही सी पार्किंग कार चलाना। अच्छा, कार चलाते हैं। जी। तो यहाँ आज किस किस सिलसिले में आए हैं? बस ऐसे घूमने के लिए आए। अच्छा वाजिद भाई, एक सवाल पूछ सकते हैं आपसे? जी बिल्कुल। नॉर्मल सा सवाल है, जी और पूछो। सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी सख्त चीज़ है जो मुंह में डालते ही नरम हो जाती है? मुंह में डालते नरम है, ये तो पानी है। नहीं, पानी नरम सख्त थोड़ी होता है। सख्त पायो, ऐसी कौन सी सख्त चीज़ है जो मुंह में डालते ही नरम हो जाती है? सच्ची मेरे ख्याल से बात तो नहीं है। नहीं, सख्त चीज़ है। चीज़ है, चलो आपको हिंट दे देता हूँ, खाने वाली चीज़ है। खाने वाली चीज। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। भाई सोच रहे हैं, अभी आ जाएगा आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाए दिमाग लगाए। खाने वाली चीज है, तुक्का ही लगाओ कुछ तो बोलो, जो जहन में आ रहा बोल दो। नहीं, ये भाई गैस नहीं कर पाए, अब किसी और के पास जाते हैं। आगा इधर आओ, तुम तो आओ माड़ा, इधर आओ, इधर सवाल का जवाब दो, इधर आओ। कैसे हो? क्या नाम है? मुशाहिद। मुशाहिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं? स्कूल। स्कूल पढ़ते हैं? स्कूल पढ़ते हैं जी। कौन सी क्लास में? एचए। नहीं, स्कूल। हाँ, 7 क्लास में। पक्की बात है, स्कूल पढ़ते हो ना? जी। सही है। अच्छा एक सवाल पूछूं, बताओगे? एक सवाल है, सिंपल सा सवाल जी। और बताना, सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी सच चीज है जो मुंह में डालते ही नरम हो जाती है? गुड़। ना ना, लाका टोपी। लाका निश्ते। कौन सी? टोपी। टोपी ना 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 ना, वो ऐसी कौन सी चीज है जो सख्त हो जाती है, इतनी सी होती है, खाने वाली होती है, बच्चे भी खाते हैं बड़े भी खाते हैं? पेंटा। ना ना ना, तुम करीब हो करीब हो करीब हो अभी। तो चिंगम। ये भाई ने बिल्कुल सही आंसर दिया, थोड़ी देर के बाद आया लेकिन उन्होंने सही आंसर दिया, वो चुईगम है। अभी हम ये भाई, दो तीन भाई मिले हमें, उनसे सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? शुक्र है लगा। क्या नाम है आपका? फहीम। फहीम भाई, यहाँ क्या कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। वैसे क्या करते हैं? वैसे जॉब। कौन सी? बस ये है जॉब। अच्छा, वो सीक्रेट कोई जॉब है। अच्छा एक सवाल पूछें आपसे। जी जी। जवाब देंगे? बताएं। ट्रिकी जवाब है। अच्छा सवाल ट्रिकी है हमारा। सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मर्द अपनी बहन, बेटी और बीवी की देख सकता है लेकिन अपनी माँ की नहीं देख सकता? तीनों भाई कोई भी गेस कर सकता है। बताओ भाई, है कोई? सवाल रिपीट करूं? करें। वो ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द अपनी बहन, बीवी और बेटी की तो देख सकता है लेकिन अपनी माँ की नहीं देख सकता? अपनी बहन, बीवी और बेटी की देख सकता है, अपनी माँ की नहीं देख सकता वो। सोचें सोचें सोचें, आ जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इजी है। आप बता देने का? नहीं है, चले हम आपको बताते हैं। दूसरे भाई से पूछते हैं। okay. अभी हमारे साथ ही दो भाई और हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई लोग? क्या कर रहे हैं? बस बैठे हुए हैं चैन से। अच्छा हाँ। कहाँ पे होते हैं आजकल, क्या करते हैं? मैं तो BScS में होता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और वो भाई? भाई भी मेरे साथ ही। क्या नाम है आपका? आकिब अली। आकिब भाई, यहाँ कोई करीबी है या कहीं दूर से आए? यहाँ पे यही करीब है। करीब ही रहते हैं। एक सवाल पूछना आपसे। जी जी पूछे जी। अच्छा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो, आइए ऊपर करें ताकि हमारे व्यूवर्स को आपकी आवाज जाए। वो ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द अपनी बहन, बीवी और बेटी की तो देख सकता है लेकिन अपनी माँ की नहीं देख सकता? पर्स। नहीं, पर्स तो देख सकता है। दोबारा रिपीट करूं? हाँ। वो ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द अपनी बहन, बीवी और बेटी की नहीं देख सकता लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द अपनी बहन, बीवी और बेटी की देख सकता है लेकिन अपनी माँ की नहीं देख सकता? आंख। नहीं, आंख तो आराम से देख सकते हैं। आंख तो आराम से अपनी माँ की देख सकता है वो। हाँ। सोचें भाई, आपको आ रहा है दिमाग लगाएं? लगा रहे हैं। क्या चीज है वो?
अपनी माँ की नहीं देख सकता, बाकी हाँ, सबकी देख सकता है, बहन की भी देख सकता है, बेटे की भी देख सकता है, बीवी की भी देख सकता है, लेकिन अपनी माँ की नहीं देख सकता। ये तो सवाल नहीं आ रहा। अगर दूसरी दूसरी तीसरी हो तो फिर तो देख सकता है, लेकिन इसका जवाब है शादी। अच्छा, कैसा लगा? बिल्कुल सही है। चलें भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा भाई, आपको एक ट्रिकी का आंसर तो नहीं आया। चलो मैं आपसे इस्लामिक सवाल पूछते हैं। इस्लामिक सवाल आपके लिए है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो, वो ऐसी कौन सी हालत है जब मुसलमान पर हलाल चीज़ भी हराम भी हो जाती है? थोड़ा सोच के बताएं, आ जाएगा। हलाल चीज़ भी हराम हो जाती है उस पर, ऐसी कौन सी हालत में मुसलमान होता है वो? नमाज की हालत में। ये इनको सही जवाब आ गया, इस्लामिक नॉलेज है आपको माशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका भाई, एक का जवाब दिया आपने। ठीक है, जा रहे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? नो नो नो, इधर तो आओ, इधर तो आओ। जी जी, कैसे हो आप लोग? क्या करते हो आप लोग? हम लोग स्कूल में। कौन सी क्लास में? इधर तो आओ। अच्छा आप बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फाइव में। अच्छा, एक सवाल पूछूं, बताओगे? जी। अच्छा, ये जो एबीसी होती है अल्फाबेट, इसमें कितने अल्फाबेट होते हैं टोटल? 26। जी आप बताओ। ये बच्ची पढ़ी है, अच्छा पढ़ी। कौन सी क्लास में हो? क्लास तो बता के जाओ, मैं भी क्लास नहीं बता रहे। कौन सी आप, कौन सी क्लास में हो? चलो ठीक है, जाओ खेलो। एक सवाल है आपके लिए, कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो सख्त होती है लेकिन मुंह में डालते ही नरम हो जाती है? सख्त होती है, बादाम। नहीं, वो ऐसी कौन सी चीज है जो सख्त होती है लेकिन मुंह में डालते ही नरम हो जाती है? नरम होती है यार, इसका मेरे को नहीं आता। सोचे ना, सोचते सोचते लंबा हो जाएगा। सोचे थोड़ी देर, थोड़ा पता चलेगा ना। पता नहीं यार, क्या कहना है, समझ नहीं आ रही। अरे भाई, इन भाई को नहीं पता चल रहा है तो हम किसी और से पूछते हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? यासिर। यासिर भाई, बैठ सकता हूँ आपके साथ? यासिर भाई, क्या करते हैं? जॉब कर रहा हूँ। कौन सी? शिपिंग लाइन। शिपिंग में। यहाँ कैसे हैं? ऐसे तफरी वगैरह। अच्छा अच्छा, रिलैक्स के लिए। बिल्कुल, टाइम निकल जाता है आज के दौर में। एक सवाल हो जाए। चलें, सवाल ये है आपके लिए, वो ऐसी कौन सी चीज़ है मर्द अपनी बीवी, बहन और बेटी की देख सकता है लेकिन अपनी माँ की नहीं देख सकता? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तुझे पता है? नहीं, वो तो बीवी की कैसे देखेगा? अपनी बीवी, बेटी और बहन की देख सकता है, मतलब माँ की नहीं देख सकता। सोचे सोचे, करीब हो। सही है, सही जवाब इनका, शादी वैसे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ बिल्कुल सही है, गेस करने के भाई ने। बहुत शुक्रिया भाई जान, आपका सही पहुंचे आप।